Morning, student. We are continuing to discuss about female reproductive system. In our previous lecture, we were discuss about ovarian cyst and ovarian torsion. Both are correlated with the ovarian hyperstimulation syndrome. Ovarian hyperstimulation syndrome is an exaggerated response to ovulation induction therapy. जो normally ovulations का normal process जो होता है development होने में, उसमें extra means उसमें जो development होती है, extra stimulate होते हैं therapies के according या treatments के according या उसके normal estrogen and progesterone का process जो है वो ज़्यादा stimulated हो जाते हैं. Causes इसमें क्या आते हैं? Fertility medications. Fertility means one couple if more than 1 year से unprotective sexual relationship में है and not be able to get the pregnancy. So fertility हम उसे consider करते हैं. तो उसके लिए हमें ovulations को induce करने के लिए जो injections देते हैं, gonadotropins medications देते हैं, AIDS and humans chronic gonadotropins HCG and next is gonadotropins releasing hormones and lithium stimulations hormones जो हम उसको provide करवाते हैं. इसमें injections जो है patients को induce करवाए जाते हैं. These injection is also main causes because these injection is depends on the normal patients hormonal circulations means patients का lithium हार्मोन स्टिमुलेट है या नहीं है, मैच्योरेशन जो एग बन रहा है और मैच्योर नहीं हो रहा है, तो इन सब सिचुएशंस में हम उसके हार्मोन बैलेंस को देखते हम उसको मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं. क्लोमिफेनाइन सिट्रेट एंड ओवुलेशन एंड ओवेरियन स्टिमुलेशन, इसमें हम ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, ओवुलेशन को इनहेंस करते हैं जिससे उसके प्रोसेस के बारे में नॉलेज होगी. कॉजेस बन जाते हैं जो एक्स्ट्रा स्टिमुलेटर देते हैं. स्पॉन्टेनियस ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन विदाउट एनी मेडिकेशन, अगर किसी मेडिकेशन के बगैर ये स्टिमुलेट कैसे हो सकते हैं, दैट इज द हाइड्रेटिफॉर्म मोल. हाइड्रेटिफॉर्म मोल्स नॉन कैंसरियस टिश्यू ग्रोथ जो है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के स्टार्ट जैसे ही एग इम्पैक्ट होता है वैसे ही अबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो इनसाइड ऑफ द यूट्रस जो है वो डेवलप हो जाती है. मल्टीपल प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी में स्पेस ऑफ द अलग अलग की प्लेसेंटा के इसमें यूट्रस में जो अबनॉर्मलिटी टिश्यूज की है जो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है. हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हार्मोनल इंबैलेंस होता है जिसके कारण जो ओवरीज के हार्मोन्स है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है जिसके कारण हार्मोनल स्टिमुलेशन जो है वो डेवलप होती है. पैथोफिजियोलॉजी, इसमें कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, गोनाड्रोपिन मेडिकेशन, अगर हम कोई भी मेडिकेशन इंड्यूस करते हैं, क्लोमिफेनाइन ओरली कंट्रासेप्टेड या ओरली हार्मोनल टैबलेट्स ले रही है, स्टिमुलेटेड जो मेडिकेशंस है उसके बिहाफ पे उस पेशेंट्स को अफेक्ट हो सकते हैं कि हार्मोन जो है वो ज़्यादा स्टिमुलेटेड हो. उसके ऑपोजिट्स अनदर कॉजेस क्या बन सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी में, ओवरी इनलार्जमेंट. ओवरी इनलार्जमेंट डिपेंड ऑन द ओवरी साइज. ओवरी साइज इज ड्यू टू द ओवरी ट्विस्ट. अगर ओवरी यहां से ट्विस्ट हो गए तो टिश्यू एडिमा होने के कारण ओवरीज का साइज बढ़ेगा, या फिर ओवरीज में सिस्ट है, फॉली सेल्स की ग्रोथ है जो वो अबनॉर्मल है मींस हायर है, तो उसमें ओवरीज जो है साइज में इनलार्ज हो जाएगी. शिफ्ट ऑफ फ्लूड टू द थर्ड स्पेस एडिमासाइटिस, अब जो फ्लूड रिटेंशन है बॉडी में वो ज़्यादा होने के कारण पेरिटोनियल कैविटीज में जो फ्लूड है अकमुलेशन वो ज़्यादा होगी, एसाइटिस होगा पेशेंट्स को. एसाइटिस होने से क्या होगा कि जो ओवरीज है वो हार्मोन ज़्यादा स्टिमुलेटेड होंगे. स्टिमुलेटेड क्यों होंगे, क्योंकि उनको जो बाहर ला इन्वायरमेंटल है वो प्रेशराइज है. रिस्क फैक्टर, इससे क्या हो सकता है, प्राइमरी रिस्क फैक्टर पेशेंट्स को यंग एज
में होते हैं, प्रीवियस अगर पेशेंट्स को ओवरी हाइपर स्टिमुलेशन डिसऑर्डर रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, पीसीओएस है एंड लो बॉडी वेट, अगर पेशेंट्स बॉडी मेजरमेंट में वीक है या फिर उसका एज बीरिंग में ये आता है रिप्रोडक्टिव एज में, एंड द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस में क्या होता है कि नॉर्मली फॉलिक सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो सैक है वो डिसपेयर हो जाता है नॉर्मली 28 डेज के सर्कल में, लेकिन बट इन दिस प्रोसेस जो सैक है उसमें फ्लूड बिल्डअप हो जाता है, तो नंबर्स ऑफ जो फॉलिकल्स है वो ओवरी में विजुलाइज होते हैं और ओवरी जो है वो साइज में इनलार्ज हो जाती है। सेकेंडरी रिस्क फैक्टर ओवेरियन रिस्पॉन्डेंट रिलेटेड ऑन द एचसीजी, एचसीजी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट करती है, जैसे कि हाई नंबर ऑफ मीडियम एंड लार्ज फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का हाई प्रोडक्शन हो जाना ड्यूरिंग टू द हार्मोनल इम्बेलेंस या फिर उनको आर्टिफिशियल स्टिमुलेट किया गया उसका ओवरडोज या साइड इफेक्ट। E2 का लेवल इज राइजिंग जब होता है रैपिडली, ये क्या होता है कि एस्ट्राडोल हार्मोन्स जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं इनमें ब्लड। ये कब किस तरह के हार्मोन्स होते हैं, ये ईस्ट्रोजन्स की फोर्थ लेवल्स होते हैं, ईस्ट्रोजन के फोर्थ लेवल्स में से एस्ट्राडोल जो हार्मोन्स है वो हायर हो जाएंगे, जिसके कारण ये पता चलता है कि ये फुल बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस करेंगे। नेक्स्ट इज प्रेगनेंसी या एचसीजी इंक्रीज होने के कारण ये हो सकता है। क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑन सेट में क्या होगा कि एग की जो कलेक्शंस है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट अर्ली स्टिमुलेशन प्रोसेस पे इट अकर विद इन द 9 डे आफ्टर द ऑक्सीसाइटिन रिट्राइवल्स, कलेक्शंस ऑफ द ओवेरियन रिस्पॉन्स टू द एक्सोजीनियस एचसीआई स्टिमुलेशंस। अब उसमें कलेक्शंस है, ओवेरियन का रिस्पॉन्स है जो हमने कलेक्ट कर लेना है जिसको स्टिमुलेटेड देने के बाद। लेट क्या हो सकता है, इट अकर आफ्टर 10 डेज ऑक्सीटेन, जब उसको ऑक्सी जो सेल्स का जॉगेट जो बन चुका है उसके लिए 10 डेज के बाद एंड कॉलेक्ट टू द इंडोजीनियस एचसीआई प्रोड्यूस इन द इम्प्लांटिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है उसमें डिवेल्प होना स्टार्ट हो गया। सीवियरिटी माइल्ड मॉडरेट सीवियर एंड क्रिटिकल कंडीशंस में ये पेशेंट्स के ऊपर इफेक्ट डालती है। माइल्ड में इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जब ओवरी स्टिमुलेशन हार्मोन्स हैं तो माइल्ड टू मॉडरेट अबडोमिनल पेन होगी, लोअर अबडोमिनल पेन होगी, पेल्विक पेन कह सकते हैं, अबडोमिनल ब्लॉटिंगनेस जिसमें पेशेंट्स को एनोरेक्सिया होएगा और अबडोमिनल टेंडरनेस होगी, नोजिया वॉमिटिंग एंड डायरिया पेशेंट्स में कॉमन सिम्टम्स आएंगे। टेंडरनेस इन द एरिया ऑफ द ओवरीज, ओवरीज में अब क्या होगा स्वेलिंग होने के कारण या फिर उसका साइज इंक्रीज होने के कारण उसमें ओवरीज में टेंडरनेस होगी। सीवियर में इसके सिम्टम्स होंगे, रैपिड वेट गेन होगा 2.3 किलोग्राम्स इन अ वन डे, पेशेंट्स का मोर देन ऑफ 2 to 3 केजी है जो वन डे में इनहेंस होगा। सीवियर प्रसिस्टेंस नॉजिंग एंड वॉमिटिंग होगा पेशेंट्स को, सीवियर अबडोमिनल पेन होगी, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ होगा, डार्क यूरिन कलर होगा, डिजीनेस एंड साइनस्कोप होगा पेशेंट्स में, लेथार्जीनेस आएगी, हिमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी, हिमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी अब नॉर्मल एंड टू द अनस्टेबल ब्लड प्रेशर है जो पेशेंट्स का स्टेबल नहीं होगा, फॉल एंड नॉर्मल होता रहेगा, एडिमा होगा पेशेंट्स में एंड नेक्स्ट इज असाइटस इन द अबडोमिनल कैविटीज में फ्लूड अकमुलेशन होगी। इन द क्रिटिकल फॉर्म में क्या होगा, अक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है पेशेंट्स को, जिसके कारण पेशेंट्स की किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है, अरिथमिया, अब किडनी फिल्ट्रेशन फैक्टर जो है डिस्टर्ब होने के कारण जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस है वो हार्ट में रिदम में है जो वो नॉर्मली नहीं रहेगा, इसके क्यों नहीं नॉर्मल रहेगा क्योंकि उसमें जो है कार्डियक ओवरलोड जो हो जाएगा, कार्डियक ओवरलोड मीन्स वीनस में प्रेशर हायर हो जाएगा जिसके कारण किडनी ने जो वेस्टेज है वो बाहर नहीं निकाली और वीनस प्रेशर जो अरिथमिया को लीड करेगा। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होमोसेंट्राइजेशन, अब इसमें थ्रोम्बोलेक्टोलिज्म में एक होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर उसमें बन सकते हैं जिसके कारण क्या है पेशेंट्स को अबनॉर्मेलिटी हो हार्मोन्स की कारण, एक सेकंड क्या है कि किडनी ने वेस्टेज जो है वो बाहर नहीं निकाली। पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, जैसे कि इन्फ्यूजन होता है कि जो पेरिकार्डियल लेयर है उसके अंदर फ्लूड की अकमुलेशन हो जाना, फ्लूड की अकमुलेशन क्या करेगी कि उस कार्डियक मसल जो है उनको डायलेट नहीं होने देगी जिसके कारण कार्डिक सर्कुलेशन जो है वो इम्बैलेंस होगा। मैसिव हाइड्रो थोरेक्स, हाइड्रो थोरेक्स मीन्स क्या, प्लूरल इन्फ्यूजन, अब वो था
कार्डियक लेयर में फ्लूड की एक्युमुलेशन होना, क्योंकि असाइटस हो चुका है पेशेंट में और बॉडी में जो है फ्लूड का लेवल हायर हो चुका है, तो अक्यूट रीनल फेलियर जो है वो हो चुका है, मींस बॉडी में से वेस्टेज बाहर नहीं निकल रही। ये दोनों होने के कारण पेशेंट्स को कार्डियक लेयर है वहाँ पे भी फ्लूड एक्युमुलेशन हो सकता है, और पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या फ्लूड एक्युमुलेशन होगा थोरेसिक एरियाज में, जिसके कारण पेशेंट्स को ब्रीथिंग जो है वो डिफिकल्टीज आएंगी। नेक्स्ट इज द अडल्ट RDS, अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पेशेंट्स को अब यहाँ पे फ्लूड एक्युमुलेशन है प्लूरल कैविटीज में, तो यहाँ से थोरेसिक्स में क्या है कि लंग्स जो है वो प्रॉपरली जो है ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण में रेस्पिरेटरी जो है वो डिस्ट्रेस हो जाएगा। ओवेरियन थोरेसिक्स, इसमें क्या होगा कि ओवरीज का साइज ज़्यादा है और पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूड होने के कारण ओवरीज जो है ईजिली ट्विस्ट कर सकती है। ट्विस्ट वो उस साइड को करेगी जिस साइड पे फॉलिक सेल्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। रप्चर ऑफ द ओवरी सिस्ट इन द ओवरीज, अब इसमें क्या हो सकता है कि सिस्ट जो है वो रप्चर हो सकती है, तो उस रप्चर होने के कारण ओवरीज जो है वो सडनली डैमेज हो जाएंगी। नेक्स्ट इज द लेबोरेटरी स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशंस। कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, जिससे हमें पेशेंट्स के थ्रोम्बोलेक्टिक फैक्टर्स का पता चलेगा, इन्फ्लामेटरीज का पता चलेगा, वाइट ब्लड सेल का, लिकोसाइट काउंट का, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंप्लीट ब्लड काउंट से होगा। बीटा HCG कंसेंट्रेशंस, अ पॉजिटिव रिजल्ट इंडिकेट्स ऑफ द प्रेगनेंसी। अगर पेशेंट्स में प्रेगनेंसी है तो हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट हो चुके हैं, उसके बिहाफ पे हमने टेस्ट करना है कि HCG का लेवल कितना है। ईस्ट्राडॉयल लेवल, ईस्ट्राडॉयल E2 लेवल हमने ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट्स का ड्यूरिंग टू द प्रेगनेंसी है नॉर्मल है या पेशेंट्स में हार्मोनल बैलेंस कितना आ रहा है, उसको हम कंप्लीटली ऑब्जर्व करेंगे। कंप्लीट मेटाबॉलिकम पैनल, अब हम उसका मेटाबॉलिकम पैनल जैसे कि इंडोक्राइन सिम्टम से सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन्स प्रॉपरली टेस्ट करेंगे। लीवर फंक्शनिंग टेस्ट होगा, रीनल फंक्शनिंग टेस्ट होगा, एल्ब्यूमिन एंड प्रोटीन लेवल आर डिक्रीज्ड होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हाइपरकलेमिया, एसिडोसिस, ऑल बॉडी का फ्लूड एक्युमुलेशन के बिहाफ पे जितने भी उसका सर्कुलेशन टेस्ट होंगे वो होंगे। क्यों टेस्ट होंगे? क्योंकि पेशेंट्स को असाइटर हो रहा है, फ्लूड एक्युमुलेट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, रीनल फंक्शनिंग अम्पेयर्ड हो गया है, पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है, तो किडनी फंक्शन की मेजरमेंट्स के लिए और लीवर फंक्शनिंग टू ऑब्जर्व द नॉर्मल एंजाइम फंक्शन। इसमें अमेजिंग स्टडी होंगी, अल्ट्रासोनोग्राफी टू असेस द फॉलिक सेल्स, टू मेजर द साइज ऑफ द ओवरीज, टू एलिवेट द एसाइटस। अब इसमें क्या है, अल्ट्रासोनोस्कोपी होगी जिसके कारण बॉडी में फॉलिक सेल्स को असेस किया जाएगा इनटू द ओवरीज। ओवरीज में अगर हम फॉलिक सेल्स की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी तो दैट इज मीन्स की सिस्ट के इंडिकेट करेंगी कि कितनी सिस्ट है और उसका कितना डायामीटर है। साइज ऑफ द ओवरीज, अगर उसमें फॉलिकल्स जो है वो ज़्यादा हो गए हैं तो ओवरीज अपने नॉर्मल साइज 2 सेंटीमीटर से मोर देन ऑफ द अबव हो जाएगी, जिसके कारण पेशेंट्स में क्रिटिकल कंडीशन जो है वो हो सकती है। टू एलिवेट द साइटस, अब इसमें एब्डोमिनल एरिया में हम गट देखेंगे कि कितनी देर कब तक उसके पेरिटोनियल एविटीज में फ्लूड जो है वो अकोमुलेट हो चुका है। पेशेंट्स को अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्टर्स सिंड्रोम है तो हम उसका रेस्पिरेटरी एरिया में प्लूरल इन्फ्यूजन को ऑब्जर्व करेंगे, रेस्पिरेटरीज को ऑब्जर्व करेंगे, कैविटीज में फ्लूड कितना है, तो उसके हम बिहाफ पे हम उसकी चेस्ट की जो है चेस्ट रेडियोजियोग्राफी करेंगे, उसके बिहाफ पे हम ट्रीटमेंट देंगे कि पेशेंट्स को उसको प्लूरल फ्लूड को रिमूव करना है कि नहीं। सो आउटपुट पेशेंट्स मैनेजमेंट हम देंगे मोस्टली ट्वाइस वीकली, या हम उसको 2 वीक या 1 वीक तक हम उसको रखेंगे। अगर मॉडरेट टू सीवियर है तो हम उसमें ट्रीटमेंट्स देंगे, लेकिन इसमें हमें पेशेंट्स के इंपॉर्टेंस रखने होते हैं कि जो उसके साइड बाय सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सीवियर एब्डोमिनल पेन है तो हम पेशेंट्स को एनाल्जेसिक प्रिस्क्राइब करेंगे। इंट्रा एसेप्टेबल नॉजिया एंड वॉमिटिंग है तो पेशेंट्स को एमसेट मेडिकेशन देंगे। सीवियर ऑलिगोयूरिया एंड एन्यूरिया है तो डायरेटिक्स देंगे। टेंस असाइटिस है तो हम उसमें डायरेटिक्स के साथ लैसिक्स देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि उसका जो एक्स्ट्रा फ्लूड है बॉडी में से वो रिटेन हो जाएगा, किडनी फंक्शन को प्रमोट करेंगे। डिजनिया एंड टैकीपीनिया है, पेशेंट्स को ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन देंगे, उसमें हम ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं और पेशेंट्स को बाय नेजल या फिर बाय मास्क ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करेंगे। हाइपोटेंशन पेशेंट्स को मेडिकेशंस देंगे। नेक्स्ट द सीवियर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अब हम पेशेंट्स का बैलेंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट उसको मेंटेन करेंगे विद द सॉल्यूशन।
कंजर्वेटिव एजुकेशन हमने देनी है. फ्लूड शुड बी रिसीव्ड प्लेंटी ऑफ द फ्लूड नॉट लेस देन 1 लीटर. द पेशेंट शुड रिसीव प्लेंटी ऑफ फ्लूड. पेशेंट्स ने जो है अडीमा हो रहा है तो उस फ्लूड को जो 1 लीटर तक उसने कंज्यूम करना है. एक्टिविटीज जो है शुड बी अवॉइडेड. विग्रस एक्टिविटीज जो कि उसकी नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट डालती हैं वो एक्टिविटीज को अवॉइड करना है क्योंकि पेशेंट्स को डिजनेस के सिम्टम्स जो आ रहे हैं. वेट इज शुड बी इज रिकॉर्डेड डेली. अपने पेशेंट्स ने अपना वेट जो है वो रूटीनली मेजर करना है. अगर पेशेंट्स का सीवियरली वेट जो है वो इनहेंस हो रहा है तो उसके क्रिटिकल कंडीशंस में इफेक्ट हो सकता है. यूरिन आउटपुट द फ्रीक्वेंटली एंड ऑफ द वॉल्यूम. अब पेशेंट्स को ऑलिगोयूरिया हो रहा है तो ये पेशेंट्स ने नॉर्मली एवरी विजिट के बाद उसने वो मेजर करना है कि कितने टाइम के बाद वो यूरिन पास कर रहा है और कितनी क्वांटिटी में कर रहा है. पेन फ्री मेडिकेशंस देंगे हम पेशेंट्स को. अगर पेशेंट्स को अब्डोमिनल है तो सिम्टोमेटिक नॉजिया एंड वॉमिटिंग के लिए हम एंटीमेटिक मेडिकेशंस देंगे. अगर पेशेंट्स को क्लॉटिंग फैक्टर्स बन रहे हैं तो हम उसको हेपरेंस देंगे ताकि उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उसको प्रिवेंट कर सके. नेक्स्ट इज द फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. में हाइपोवोलीमिया करेक्शन करेंगे. इनिशियल स्टेज पे हाइड्रेटेड एंड मे बी अकम्प्लिश विद द बल्ज ऑफ द आईवी फ्लूड 5 to 100 ml हम उसको नॉर्मल स्लाइन प्रिस्क्राइब करेंगे. अगर पेशेंट्स को हाइपोवोलीमिया है. हाइपोवोलीमिया मीन्स जो वॉल्यूम जो है वो कार्डियक आउटपुट की डिक्रीज हो चुकी है तो सर्कुलेशंस को हम मेंटेन करेंगे. Albumin is doses to the infused to the 4-dry factory of the plasma expander and when infusion of the normal saline fails. इसमें क्या हम plasma expander देंगे ताकि जो उसके clotting factors है blood में से उसको prevent किया जा सके. Volume overloaded है. अगर उसमें patients में volume बहुत ज़्यादा overloaded है, ascites हो चुका है body में, fluid ज़्यादा retain कर चुका है तो हम उसको diuretic medication देंगे जिसके कारण क्या है जो उसकी wastage है वो बाहर निकल जाएगी. Hyperkalemia is calcium gluconate, insulin, sodium bicarbonate and कैक्सिलेट मेडिकेशंस होती हैं तो ट्रीट द हाई ब्लड पोटाशियम लेवल जो इंक्रीज हो चुका है. मीन्स उसके जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो डिस्टर्ब हो चुके हैं नॉर्मल सर्कुलेशंस के उनको हम मेंटेन करेंगे. पैरासिंथेसिस. पैरासिंथेसिस अब्डोमिनल कैविटीज में जो असाइटस बन चुका है उसके कारण अब्डोमिनल कैविटी में फ्लूड जो है फिल हो चुका है और वो पेन कर रहा है तो हम उसको रिमूव कर देंगे विद द प्रोसीजर. ड्रेनेज प्रोसेस के साथ हम उसको फ्लूड को जो रिमूव करेंगे. प्लूरासेंटाइसिस. प्लूरासेंटाइसिस प्लूरल कैविटीज में जो फ्लूड है उसको हम रिमूव कर देंगे. इससे क्या होगा कि पेशेंट्स को ब्रीथिंग डिफिकल्टी, डिसरिदमिया और सर्कुलेशन अम्पेयरमेंट, टिश्यू निक्रोसिस ड्यू टू द इस्कीमिक प्रोसेस, सो सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो दिस प्रोसीजर के करने से वो डिक्रीज हो जाएंगी. इंटेंसिव केयर ट्रीटमेंट में हमने देना है कि पेशेंट्स को अगर क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट चला गया है जैसे कि अक्यूट रीनल फेलियर हो गया है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गया है, क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रमोट हो चुके हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया है तो पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा. अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आई है पेशेंट्स को, रीनल फेलियर है तो डायलिसिस प्रोसेस पे डिपेंडेंट करेगा पेशेंट का. सो इसलिए हम उसको क्रिटिकल केयर में शिफ्ट करेंगे. सर्जरीज में हम क्या करेंगे कि इंडिकेट करेंगे पहले सर्जरीज में कॉजेस क्या है, जैसे ओवेरियन टर्सम हो गया, रप्चर ऑफ द सिस्ट हो गया या फिर इंटरनल हेमोरेज हो रही है पेशेंट्स को, रीजन क्या बन रहा है उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद हम उसकी स्टडीज के बिहाफ पे सर्जरीज करेंगे. लेप्रोस्कोपिक हम क्या करेंगे, डिटॉर्जन ऑफ द ओवरीज. पहले हम ओवरीज को डिटॉर्जन मीन जो ट्विस्ट आ चुका है उसको नॉर्मल रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो हार्मोनल इम्बेलेंस है वो नॉर्मली मेंटेन किया जा सके. इफ इट्स नॉट पॉसिबल देन लेफ्रोटॉमीज मीन्स रिमूव्ड कर देंगे हम ओवरीज को एंड प्रिजर्व ऑफ द ओवरीज. अब ओवरीज को हम कट करके बॉडी में से बाहर ले लेंगे. प्रिवेंशन होगी रिकंजेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ द ओवर, हाइपरस्टिमुलेशंस, ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशंस, ओवलाइजेशन इंड्यूस्ड रेगमेंट शुड बी इज अ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड. Use the minimum dose and durations of the gonadotropin therapy is necessary to achieve the therapeutic goal. जैसे कि HCG hormones हम pregnancy की या infertility couples को देते हैं तो उसकी minimum dose से start करना है ताकि patients का जो goal है pregnancy है वो achieve हो जाए. जैसे ही वो goal वो achieve हो जाता है तो उसकी extra dose जो है वो उसको avoid कर देना है. Monitoring अब इसके साथ साथ हमें patients के normal estrogens का level का lab जो है उसकी deep study होगी और ultrasonography proleptic treatment volume जो है उसमें हम ऑब्जर्व करते जाएंगे कि ओवरीज की कंडीशन क्या है. थैंक यू स्टूडेंट.